दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में। फर्स्ट पार्ट में हमने ये जाना था कि कैसे हम डेटा को जो है इंपोर्ट करेंगे, पुल करेंगे अपने एक्सेल शीट पे। उम्मीद है आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। जस्ट 12 आवर पहले हमने इसको अपलोड किया है। इंतजार करना अच्छा नहीं होता है दोस्तों, ये हमें पता है। सो कोशिश ये है कि आपको ज्यादा देर वेट ना करना पड़े। उसी टाइम बिटवीन के बाद हम इसको अपलोड करते रहेंगे जब तक कि आप नेक्स्ट शीट प्रिपेयर करने के लिए रेडी हो जाओ। तो आई होप आपने पहला जो पार्ट है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। जिसका भी नहीं हुआ है, कुछ एरर आ रहा है, प्लीज कमेंट एंड आस्क योर क्वेश्चन, वी विल रिप्लाई एंड हेल्प यू ऑन अनदर लेवल। कई लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, यहाँ यूट्यूब पे मैसेज कीजिए। रीजन बिहाइंड क्या है कि आपके एक मैसेज से कई लोगों की जो समस्या है वो सॉल्व होगी। सो आप जो कमेंट है वो यूट्यूब पे ही कीजिए, यहीं पे अपने क्वेश्चन को पूछिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो आइए अब आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं सेकेंड पार्ट जो है कैसे हम लोग आगे बनाएंगे। अब दोस्तों यहाँ से हमें नेक्स्ट जो है फॉर्मूला यहाँ पे टाइप करना है। सारे फॉर्मूला आपको फर्स्ट पार्ट की तरह जो है बिल्कुल उसी तरीके से गूगल नोट में आपको मिल जाएगा। आप वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और जो छोटे फॉर्मूला होंगे वो आप स्क्रीन से देख के टाइप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप करना। आपको यहाँ पे टाइप करना है इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट मिड अगेन ओपन ब्रैकेट, नीचे आप बैंक निफ्टी डेटा की शीट को क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप 26,000 यानी कि स्ट्राइक प्राइस के फर्स्ट ऑप्शन पे उसको सेलेक्ट कर दीजिए। अगेन आप जो है बैंक निफ्टी मेन सीट पे आ जाइए, यहाँ पे जो है कॉमा लगाइए, आप टाइप कीजिए फाइंड, फाइंड के बाद जो है ओपन ब्रैकेट डबल यूनिट कॉमा स्टार डबल यूनिट कॉमा क्लोज कॉमा, इस फॉर्मूले को कॉपी कर लीजिए बैंक निफ्टी इंडेक्स को डेटा एफ 7 को, सेम उसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, क्लोज ब्रैकेट कर दीजिए प्लस 1,1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू डबल यूनिट कॉमा अंडरस्कोर, अंडरस्कोर नहीं यहाँ पे माइनस का सिंबल होगा जो जीरो एंड प्लस के बीच में की होती है, एंड डबल यूनिट कॉमा क्लोज अगेन 0। डबल यूनिट कॉमा में जो आपने सिंबल लगाया है उसके बाद जो कॉमा है वहां पे आप एक स्पेस देंगे, उसके बाद 0 एंड अगेन कॉमा, एंड उसके बाद टाइप करेंगे मिड। ये स्पेस देना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड मिड के पहले जो ओपन ब्रैकेट होगा आपका अगेन ओपन ब्रैकेट, अगेन सेम फॉर्मूला को पेस्ट कर दीजिए बैंक निफ्टी अंडरस्कोर डेटा एक्सक्लेमेशन का सिंबल F7 ओपन ब्रैकेट फाइंड। ट्राई कीजिएगा कि वर्ड टाइप करके इसको यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा जो आपके स्क्रीन पर ऑटोमेटिक आएगा। अगेन ओपन ब्रैकेट डबल यूनिट कॉमा स्टार डबल यूनिट कॉमा क्लोज कॉमा F6 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1, ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे आपको टाइप करना है एलियन लेन, इसका मतलब होता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एंड इसको सेट कीजिए यहाँ से एलियन टाइप करके। अगेन ओपन ब्रैकेट, अगेन सेम फॉर्मूले को पेस्ट कर दीजिए बैंक निफ्टी अंडरस्कोर डेटा F7 को, ब्रैकेट क्लोज माइनस का सिंबल होगा 2, क्लोज ब्रैकेट 4 प्लस 0 क्लोज ब्रैकेट। ये जो F6 है यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी अंडरस्कोर डेटा एक्सक्लेमेशन का सिंबल F7 टाइप करना था, तो इसको आप रिप्लेस कर दीजिए, जस्ट कंट्रोल भी कर दीजिए क्योंकि आपके क्लिपबोर्ड में अभी भी अवेलेबल है, एंड ये फॉर्मूला आप रेड बाउंड्री से कवर करके दिखा दिया ताकि फाइनली आप चेक कर लें कि कोई मिस्टेक ना हो, एंड आफ्टर डैट इंटर की प्रेस कर दे। अभी आपके सामने देखिए स्ट्राइक प्राइस आ चुका है 26,000। अब कुछ नहीं करना है, जस्ट इसको सेलेक्ट कर दीजिए एंड पुल डाउन कर दीजिए जहाँ तक फर्स्ट सीट में स्ट्राइक प्राइस है, यानी कि जितनी अवेलेबल होगी अभी यहाँ पे 133 तक अवेलेबल है। तो आप इसको पुल कीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ तक आप पुल करके चेक कीजिए कहाँ तक आपने इसको पुल किया, क्योंकि हो सकता है कभी ज़्यादा आ जाए कभी कम आ जाए। हमने इसको 128 तक छोड़ा, एंड अगेन जो है कहीं क्लिक कीजिए एंड फिर नीचे से आगे बढ़ा दीजिए एक बार चेक करके 133 तक, लास्ट के 3-4 को सिलेक्ट करके पुल कीजिए तो ऑटोमेटिक वो डेटा जो है वहाँ पे आ जाएगा। तो हमने 134 तक 35 तक किया है, तो लास्ट की जो 3 है हैश के साथ वैल्यू आ रही है, इसका मतलब कि इसमें डेटा नहीं है। कभी भी एक्सेल में अगर इस शीट में आपको ये दिखाई देगा इसका मतलब ये समझिएगा कि यहाँ पे कोई डेटा नहीं, इसलिए सिंबल आ रहा है। तो चूंकि 133 तक है और यहाँ पे 132 होगा ऊपर का एक रो कॉलम इधर उधर होने की वजह से, तो लास्ट के जो 3 हैं उनको सिंपली सेलेक्ट कीजिए और डिलीट कर दीजिए। आप मैच भी कर सकते हैं, लास्ट की जो स्ट्राइक प्राइस है 48,000 आनी चाहिए और लास्ट के 2 सेकंड नंबर जो है 46,000 जो कि आ रही, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। सो तीनों को सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए, क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा कि लास्ट की जो स्ट्राइक प्राइस है वो सही आ रही है कि नहीं आ रही है। अब सेम इसी स्ट्राइक प्राइस को हमें यहाँ पे जो है लाना है सेंटर में, तो आप टाइप कीजिए इक्वल टू एंड इसको सेलेक्ट कर लीजिए B6 को। B6 को जैसे ही आपने सेलेक्ट किया वो देखिए सेल जो है हाईलाइट हो चुका है,
एंड 26,000 वहां पे शो हो रहा है। अब सिंपली इंटर की प्रेस कर दीजिए, ऑटो फिल का मैसेज आएगा, यस कर दीजिए, सारे जो स्ट्राइक प्राइस है वो सारे यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अब हमें ओपन इंटरेस्ट में जो है टाइप करना है इक्वल टू इफ, सेलेक्ट कर लीजिए ओपन ब्रैकेट, इफ के बाद आप ओपन इंटरेस्ट के सामने सेलेक्ट कर लीजिए ताकि ऑटोमेटिक वो डेटा आ जाए। तो बैंक निफ्टी अंडरस्कोर डेटा एक्सक्लेमेशन का सिंबल D7 आ रहा है, क्योंकि D के सामने आपका ओपन इंटरेस्ट है। तो आप इसको यहाँ से सिंपली कॉपी भी कर सकते हैं और या तो उसको सेलेक्ट करके लिख सकते हैं। अब फाइनल जो आपका टाइप होगा वो होगा इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट बैंक निफ्टी अंडरस्कोर डेटा एक्सक्लेमेशन का सिंबल D7 जो कि आप सेलेक्ट करके लाइएगा, जस्ट उसके सामने हाईलाइट हो जाएगा, इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में टाइप कीजिएगा माइनस का सिंबल, अगेन डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा 0 कॉमा, अगेन सेम इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा बैंक निफ्टी अंडरस्कोर डेटा एक्सक्लेमेशन का सिंबल D7 को, एंड ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ब्रैकेट जो है क्लोज करने के बाद आप इंटर की प्रेस कर दीजिए, आपके सामने ओपन इंटरेस्ट आ गया। अब इसको सेलेक्ट करके सामने स्ट्राइक प्राइस जहाँ तक है वहाँ तक सिंपली इसको पुल करके छोड़ दीजिए। ऑटोमेटिकली ये सारे जो ओपन इंटरेस्ट हैं, जो हमारा रॉ डेटा है बैंक निफ्टी डेटा शीट का, वो यहाँ पे आ चुका है। इसी तरीके से हम सारा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे चेंज इन वाई, इसका भी सेम फॉर्मूला है। तो आप इसको सिंपली जो है कॉपी कर लीजिए यहाँ से, इसी फॉर्मूले को कॉपी करके एंड चेंज इन वाई में आप सिंपली इसको पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने से पहले आप देख लीजिए कि चेंज इन वाई जो है किस रो किस कॉलम के सामने है। तो ई के सामने आ रहा है, तो आप इक्वल टू सेम टाइप कीजिए और इसको डी को जो है रिप्लेस कर दीजिए ई से, क्योंकि 7 तो सामने ही रहेगा, सो ई इसको कैपिटल में ही रखिए, E7 से रिप्लेस कर दीजिए D7 को। ये रिप्लेस हो गया, इंटर की प्रेस कर दीजिए, आपके सामने चेंज इन वाई जो है आ चुका होगा। पूरा एक जो है सेल का चेंज इन वाई आएगा और वो ऑटोमेटिक आप ऑटो फिल कर सकते हैं यहाँ से चेक इन करके। अब हम वॉल्यूम में चलते हैं, तो वॉल्यूम में आपका सेल जो है C7 है, देख सकते हैं हमने हाईलाइट किया हुआ है। तो सेम फॉर्मूले यहाँ पे टाइप कीजिए और जो D7 है उसको C7 कर दीजिए। दैट्स सो सिंपल, कितना इजी। हमने एक में मेहनत किया, अभी सारा हम इसी तरीके से ऑटो फिल करेंगे। C7 कीजिए, इंटर की प्रेस कर दीजिए एंड आपके सामने सारा वॉल्यूम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका होगा। आई होप आप लोग बनाते हुए इंजॉय कर रहे होंगे, अपनी फीलिंग जरूर बताइएगा। और वॉल्यूम के बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है नेट चेंज LTP, सब ऐसे ही प्रोसेस करेंगे। उसके पहले हम ऊपर जो है कॉल ऑप्शन लिख लेते हैं, क्योंकि ये कॉल का जो है सारा कुछ हम लोग कर रहे हैं, एंड हेयर राइट साइड में हम इसके ऊपर जो है पुट साइड कर रहे हैं, पुट लिख देते हैं। इसको मर्ज कर लीजिए, मर्ज ऑल, ये सब एक्सेल का जो है एक बेसिक लर्निंग है, आई होप आप लोग को आता होगा, नहीं आता होगा स्क्रीन को देख के कर सकते हैं। इसको जो है थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए, बोल्ड कर लीजिए, साइज को इंक्रीज कर लीजिए, इसको बॉर्डर में चाहे तो आप अभी कवर कर ले चाहे बाद में कर ले, स्क्रीन को देख के ये सारे प्रोसेस जो है कम्प्लीट करते रहिए। जस्ट दिस इज बेसिक वर्क। अब आगे बढ़ते हैं और नेट चेंज एंड LTP को भी यहाँ पे लाते हैं। तो सेम फार्मूला है, सिर्फ हमें ये देख लेना है कि नेट चेंज जो है किस सेल के सामने आ रहा है। तो आपका जो है B7 सेल होगा, तो आपको क्या करना है, सिंपली उसी फार्मूले को यहाँ पे पेस्ट कीजिए और D7 को कर दीजिए B7 एंड आफ्टर डेट इंटर की प्रेस कर दीजिएगा। सारा जो नेट चेंज है आपके बैंक निफ्टी अंडरस्कोर डेटा का जो रॉ डेटा का जो सीट है वहाँ से डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। चेक कर दीजिए, ऐसे ऑटो फिल हो गया। अब हमें LTP करना है इसका, चूंकि फार्मूला दूसरा है LTP का थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा फार्मूला है, इसको जस्ट स्क्रीन से देख के कॉपी कर दीजिएगा, या आपके गूगल फार्मूले शीट में होगा उसको वहाँ से जस्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप। प्रेस कर दीजिए एंड ऑटो में आ चुका होगा। फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करके नीचे जो है पुल जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो LTP आया था वो कुछ और था, तो इसको हमें यहाँ पे चेंज करना होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी आगे चल के। सो इसको सिलेक्ट करके ऊपर से लेकर नीचे तक पुल कीजिए, 132 तक के सामने तक। अब जो है आपका जो LTP है वो सही से आ चुका है। अभी हमारा कॉल साइड का कॉल ऑप्शन का सारा डेटा जो है आ चुका है। अब हमें सेम इसी फॉर्मेट में इसी तरीके से पुट ऑप्शन का भी डेटा लेके आना है, ठीक है। तो अभी आप डेटा क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा कि जो बैंक निफ्टी अंडरस्कोर डेटा पे जो चीज़ें हैं वही हैं कि नहीं है, और इन बिटवीन इनका फॉर्मेटिंग भी कर लीजिए, बोल्ड जो भी आपको सही लगे, कलर कर दीजिए जो आपको सही कलर लगे उससे आप इसको
कलर कर सकते हैं, जो आपको कलर पसंद है वो कलर आप रखिए। अब सेम पुट ऑप्शन का भी सेम प्रोसेस कर रहे हैं, तो आप इसको देख के, स्क्रीन को देख के आगे बढ़ाइए इस प्रोसेस को। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ध्यान से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो को पॉज करके एक एक चीज़ देख के आप टाइप करके भी बना सकते हैं। स्क्रीन को पॉज कीजिए, मोबाइल में वीडियो को प्ले कीजिए, सामने रखिए, देखिए एंड बनाइए। उसी तरीके से सेम नेट चेंज भी चेंज कीजिए। नेट चेंज को चेंज करने के लिए सेम वही फार्मूला है, इसी नेट चेंज वाला कॉपी यहाँ से कर लीजिए और सिर्फ आपको कॉलम का जो अल्फाबेटिकल वर्ड है वो चेंज करना है। यहाँ पे H7 है, स्क्रीन को देख के चेंज कीजिए, क्लिक कीजिए, हो गया। इट विल टेक हार्डली 40 सेकेंड। सेम वॉल्यूम का भी चेंज कीजिए, सेम फार्मूला वहाँ से उठा के कॉपी मारिए, B7 को रिप्लेस कीजिए I7 से। वॉल्यूम के बाद चेंज इन Y का भी चेंज कीजिए, चेंज इन Y आपका K7 के सामने है तो K7 से रिप्लेस कर दीजिए। अब अगेन ओपन इंटरेस्ट की बारी है, ओपन इंटरेस्ट आपका J7 के सामने है सो इसको जो है J7 से रिप्लेस करेंगे। पेस्ट कीजिए एंड J7 से रिप्लेस कर दीजिए B7 को। अगेन इंटर की प्रेस करेंगे, डेटा जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऑटो फिल होके चेक कर दीजिए, ओके। नाउ अभी कॉल एंड पुट ऑप्शन दोनों पे डेटा आ गए, तो थोड़ी सी इसकी और फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, इसको कलर से जो है डेकोरेट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा सीट अच्छा लगेगा, देखने में अट्रैक्टिवल होगा, वर्क करने में ईजी होगा। मेन पर्पज यही है, अदरवाइज ब्लैक एंड वाइट होगा तो जो चीज़ें हाईलाइट होंगी उसको देखने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा क्लोजली जाके। सो इसको जो है कलर कोडिंग कीजिए, अच्छा लगेगा। अभी सेम हमें निफ्टी की शीट प्रिपेयर करनी है, तो सिंपली प्रोसेस है, बैंक निफ्टी की जो शीट हमने अभी बनाई है, जो डैशबोर्ड बनाया है, वहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। ये सेम जो है शीट दो बार बन गई, अभी इसका रीनेम कर दीजिए, इसको कर दीजिए आप निफ्टी, एंड यहाँ पे जो है निफ्टी अंडरस्कोर 50 कर दीजिए, जो निफ्टी बैंक है। एंड ये जितने भी स्ट्राइक प्राइस है सबको हमें चेंज करना है निफ्टी के डेटा से, तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, जो बैंक निफ्टी अंडरस्कोर डेटा लिखे हो आप उसको निफ्टी अंडरस्कोर डेटा करना होगा, तो बैंक निफ्टी को डेटा से रिप्लेस कर दीजिए या बैंक निफ्टी को डिलीट करते जाइए। तो बैंक निफ्टी की जगह पे निफ्टी अंडरस्कोर डेटा, एक्सक्लेमेशन का सिंबल, F7 जो उसके सामने जो होगा वो होगा। अब यहाँ पे थोड़ी स्ट्राइक प्राइस जो है ज़्यादा आ जाएगी, चूँकि बैंक निफ्टी में ज़्यादा है, यहाँ पे 116 तक ही है, तो बाकी की जो है यहाँ पे चेक कर लेंगे क्रॉस चेक कहाँ तक आ रहा है, तो 117 तक आ रहा है, यानी कि वहाँ पे 116 तक आएगा। तो 117 से जितने भी आगे ये सारी चीज़ें आ रही है नीचे, उसको सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए और सिंपली डिलीट बटन प्रेस करके डिलीट कर दीजिए। हमने राइट क्लिक किया हुआ है ताकि आपको दिखता रहे स्क्रीन पे कि हम यहाँ पे एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। अभी देखिए निफ्टी का जो एक्स्ट्रा डेटा था वो डिलीट हो गया। अभी ओपन इंटरेस्ट में सब जगह जाके सिर्फ यही करना है आपको, बैंक निफ्टी में बैंक को हटा देना है, ऑटोमेटिक निफ्टी डेटा हो जाएगा। एंड इसको सिलेक्ट करके पूल जरूर करना है, यहाँ पे कई लोग गलती करेंगे कि वहाँ से सिलेक्ट करके छोड़ देंगे, आपका फर्स्ट वाला ही चेंज होगा, याद रखिएगा। तो फर्स्ट चेंज होगा तो उसको आपको सिलेक्ट करके नीचे ड्रॉप डाउन करना होगा, तभी जाके वो सारे जो चीज़ें हैं वो चेंज होंगी। ये जो है आप बिल्कुल ध्यान दे के चलिएगा, जहाँ जहाँ भी हमने बैंक निफ्टी अंडरस्कोर डेटा रखा था वहाँ वहाँ पर हमें निफ्टी अंडरस्कोर डेटा करना है। ऊपर के सेल को सिलेक्ट करके नीचे तक ड्रॉप डाउन जरूर करना है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अदरवाइज आपके नीचे के डेटा बैंक निफ्टी के रहेंगे और सिर्फ फर्स्ट रो वाला जो डेटा होगा वही चेंज होगा, और इसमें ऑटोफिल का ऑप्शन नहीं आएगा, नीचे आपको ड्रॉप डाउन करना होगा क्योंकि आप इसको मैनुअली चेंज कर रहे हो, मेक श्योर डैट। अब चूंकि आप इसको मैनुअली चेंज कर रहे हो तो ये ऑटोफिल नहीं आएगा ऑप्शन, यहाँ पे आपको ऊपर से लेकर ड्रॉप डाउन ही करना होगा। सेम पुट ऑप्शन का भी, जहाँ पे बैंक निफ्टी डेटा समथिंग है उसको बैंक को डिलीट कीजिए, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे निफ्टी अवेलेबल होना चाहिए। और बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने निफ्टी का भी डेटा यहाँ पे लेके आ गए हैं। तो
आप देख सकते हैं कितने सिंपल तरीके से हम लोगों ने एक सीट बनाई और दूसरी भी हम लोग तैयार कर रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि पैरेलली दोनों सीट को बना के चलिएगा। अगर किसी को यहाँ तक बनाने में कोई दिक्कत हुई हो तो लेट मी नो इन कमेंट सेशन। यहाँ पे नीचे कमेंट सेशन है, वहाँ पे कमेंट कीजिए एंड बताइए कि आप कैसा फील कर रहे हैं बनाते हुए, आपको टफ लग रहा है या इजी लग रहा है। एंड आई होप आप इन्जॉय कर रहे हैं इसको बनाते हुए, और ये आपकी मेहनत होगी। जब ये सीट प्रिपेयर होगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि यस आपने कुछ जो है अचीव किया है और जो कि आपको लाइफ लॉन्ग जो है हेल्प देने वाला है। तो मेक श्योर डैट कि आप इसको बनाइए ज़रूर और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी सीट को बनाएं और इन्जॉय करें। फर्स्ट वीडियो है आई होप यूट्यूब पे जो कि अवेलेबल है आपके अपने ओन हिंदी लैंग्वेज में बहुत ही आसान तरीके से। हम लोगों ने बहुत ही स्लोली बनाने की कोशिश की है, कोशिश हम लोग करेंगे दोस्तों स्लोली बनाएं, आगे बढ़ते रहें। लास्ट का जो है बचा हुआ है कॉलम ओपन इंटरेस्ट का, इसको भी हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब देखिए दोनों सीट हमारी रेडी हो गई, बैंक निफ्टी का डैशबोर्ड, निफ्टी का डैशबोर्ड। तो इस पार्ट में हम लोग यहीं पे जो है रखेंगे। आई होप आप लोगों ने पूरा कंप्लीट अच्छे तरीके से बना लिया होगा। अपने डेटा को बनाने के बाद क्रॉस चेक कर लीजिएगा निफ्टी का रॉ डेटा से, बैंक निफ्टी का रॉ डेटा से, ताकि आपके जो डैशबोर्ड पे जो सीट आपके सामने आ रही है वो सही है कि नहीं है वो आप समझ सकें। डेटा आपने जो पूल किया है वो अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर पीछे वर्क में दिक्कत आएगी तो आगे के सारे फॉर्मूलेज गलत हो जाएंगे। ठीक है, बाकी इसके अलावा अगर कुछ और मैं बेटर कर सकता हूँ ताकि आप इसको इजी तरीके से बना सको तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने एक फार्मूला दे दिया है ताकि आपको बहुत ही ईजी लगे, बहुत ही सिंपल लगे, आप आसानी से बना सको। अपने लाइक जो है ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी हम आगे की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करेंगे। बने रहिए, कोशिश ये रहेगी कि आपको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। एंड अपने लाइक्स एंड शेयर जरूर दीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, उम्मीद है आपने ये शीट जो है यहाँ तक कंप्लीट कर ली होगी। मिलते हैं अगले पार्ट में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच दोस्तों।